और आज वही उत्तर प्रदेश पुलिस कुख्यात अपराधियों को उठा के एनकाउंटर करती है और उन्हें जेल के अंदर भेजती है और बेल तोड़वा के अधिकारी अपराधी जेल में जाते हैं, वही पुलिस है। लेकिन एक टाइम पे वो भैंस ढूंढ के लाया करती थी और आज वो अपराधियों को ढूंढ रही है। पहला अंतर, हमें मुद्दे पे बात करनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें तो हम जिस जो अखिलेश सरकार 2017 तक लोगों को 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए थे वो आज के डेट में घोषणा कर रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। इस अंधेरे प्रदेश से एक वर्तमान की सरकार इस लेबल पे लाई कि आपको 22 से 24 घंटे बिजली दे पा रही है तो आप घोषणा लेके चले आए। तो कई बार क्या होता है कि विपक्षी क्या है कि वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को जोड़ के और जनता के नब्ज को पकड़ के अपने अपने रायशुमारी से अपना एजेंडा स्थापित करने की कोशिश करते। मैं बेरोजगारी की अगर बात करूं तो क्या 2017 के पहले बेरोजगारी नहीं थी? थी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 के बाद भी चाहे किसी की भी सरकार बन जाए बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा बना रहेगा और खड़ा रहेगा। लेकिन आज मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि 2022 का एक ऐसा चुनाव है जो 1-to-1 चल रहा है, सरकार और विपक्ष, विपक्ष में सिर्फ कोई नहीं है, अखिलेश वर्सेस योगी का चुनाव का चल रहा है। और यहां कहीं ना कहीं सुशासन, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, इस तरीके के मुद्दे सामने हैं। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है आज के चुनाव में। तो पहली पिछली जो 2017 का चुनाव था वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव था। अभी आप हम डिबेट के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मायावती बहुत साइलेंट चल रही है और हाथी खड़ी होगी। पिछली बार बीएसपी ने 19% वोट के साथ अपने आप को स्थापित किया था 2017 की हम बात करें, और सपा कांग्रेस का गठबंधन 28% वोट के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिला था। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में स्थापित हुई थी वो 41% वोट के साथ स्थापित हुई। इस बार सिर्फ दो ही समीकरण दिख रहा है सर, मुस्लिम वोट 20% से 22% का जो आंकड़ा है वो 100% पोलराइज हो चुका है और अखिलेश के साथ जा रहा है। राजभर को जोड़ के और इधर से आरएलडी को जोड़ के एक नया मैसेज दिया गया था कि जो पिछड़ा वर्ग 40% है जिसमें यादव भी शामिल है। बिल्कुल, ये जोड़ तोड़ वाली जो चीज है ये चलती रहेगी। लेकिन अभी थोड़ा सा एक स्टैट आया है, एक डेटा आया है सर, इसको बता देते हैं कि 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो दरअसल कितना हुआ है। 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है वो आपको बता रहे हैं, तो 11 बजे तक जो वोटिंग काउंट है, वोटिंग का जो परसेंटेज है, वो दरअसल ये है कि आजमगढ़ में 20% मतदान हुआ है, मऊ में 24% से ज्यादा मतदान हो चुका है, जौनपुर में 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है, गाजीपुर में 20% से ज्यादा मतदान हो चुका है, और साथ ही साथ चंदौली में 23% से ज्यादा मतदान हो चुका है, वाराणसी में 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है, मिर्जापुर में 23% से ज्यादा मतदान, भदोही में 22% से ज्यादा मतदान हो चुका है, और सोनभद्र में 18.67% मतदान हो चुका है। तो 11 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ में 20% वोटिंग हो चुकी है, मऊ में 24% वोटिंग हो चुकी है, जौनपुर में 21%+ वोटिंग हो चुकी है, गाजीपुर में 20%+ वोटिंग हो चुकी है, और चंदौली में 23.51% ऑफ वोटिंग हो चुकी है, वाराणसी में 21% वोटिंग हो चुकी है, मिर्जापुर में 23.41% वोटिंग हो चुकी है, भदोही में 22.24% वोटिंग हो चुकी है, सोनभद्र में 18.67% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। तो ये 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है।